नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज हम खास पेशकश लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे मंत्रियों विधायकों के संपत्ति के बारे में। आखिर ये संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे? बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की भी होगी, बात मंत्रियों की भी होगी और बात विधायकों की भी होगी, क्योंकि ये लिस्ट बहुत ही लंबी है जो खत्म नहीं हो रही है। बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी साल बीतते गए हैं लेकिन मंत्री विधायक संपत्ति का ब्यौरा देने से पीछे हटते हैं, कतराते हैं, जाने क्या क्या वजह है। संपत्ति का ब्यौरा देने के नियम को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ 44 विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। आंकड़ा आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा है, 44 विधायक। इसका खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट नदीम उद्दीन को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी लेने पर हुआ। आरटीआई ने से खुलासा हुआ है कि हमारे माननीय उत्तराखंड के 71 विधायकों में से मुख्यमंत्री के साथ साथ 44 विधायकों ने अपना संपत्ति विवरण ही विधानसभा को नहीं दिया है। विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी की ओर से ये सूचना उपलब्ध कराई गई है। नियमानुसार माननीयों को विधानसभा में अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल देना जरूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मगर माननीय ने ना तो नैतिकता का ख्याल रखा और ना ही नियम का। हैरानी की बात यह है कि विधायकों की सूची में 44 विधायकों में से कई मंत्री तो हैं ही, इसमें लिस्ट में सीएम और नेता प्रतिपक्ष का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ जिन मंत्रियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया उसमें से मंत्री सुबोध उनियाल, बड़ा चेहरा, अरविंद पांडे, रेखा आर्य, बंशीधर भगत, यतीश्वरानंद और बिशन सिंह चुफाल के नाम भी शामिल है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जिन विधायकों ने पूरे कार्यकाल में संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है उनके नाम किस प्रकार है। तो जानकारी के मुताबिक जिन विधायकों ने अपने पूरे कार्यकाल में विधानसभा सचिव को संपत्ति और दायित्वों का विवरण नहीं दिया उनमें मंत्रियों के अलावा प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, राजकुमार, सुरेंद्र सिंह नेगी, मनोज रावत, विनोद कांडारी, विजय सिंह पवार, मुन्ना सिंह चौहान, सहदेव सिंह पुंडी, स्वर्गीय हरबंस कपूर, आदेश चौहान, सुरेश राठौर, ममता राकेश। देखिए ये तो नाम है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं ये वो मुख्य चेहरे हैं जिन पर जनता सबसे ज़्यादा विश्वास करती है, लेकिन जनता को ही धोखे में यहाँ रखा गया है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, दायित्वों का ब्यौरा नहीं दिया है, ये वो नाम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, रेखा आर्य, बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुगान और यतीश्वरानंद। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का नाम भी शामिल है। इसके अलावा और भी नाम मैं आपको गिना रही हूँ, ममता राकेश, देशराज कर्णवाल, फुरकान अहमद, प्रदीप बत्रा, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, काजी मोहम्मद, निजामुद्दीन, संजय गुप्ता, ऋतु भूषण खंडूरी, दिलीप सिंह रावत, हरीश सिंह, मीना गंगोला, महेश सिंह नेगी, करण महारा, गोविंद सिंह कुंजवाल, राम सिंह कैड़ा, दीवान सिंह बिष्ट, आदेश सिंह चौहान, राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला, सौरभ बहुगुणा, प्रेम सिंह, मुन्नी देवी शाह, चंद्र पंत, महेश सिंह जीना, इन सबके नाम इस लिस्ट में शामिल है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल ये ब्यौरा आम जनता के लिए प्रकाशित किया जाता है ताकि क्लियर हो सके। साफ है कि उत्तराखंड के बड़ी संख्या में विधायक और मंत्री इस कानून का पालन नहीं करते रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री का नाम भी इसमें शामिल है, नेता प्रतिपक्ष का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा में नहीं दिया है, जबकि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए ऐसा किया जाना जनहित में जरूरी है। मगर हमारे माननीय तो माननीय है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता कि आखिर इन्होंने संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सीधे उनका रुख करूंगी। सुभाष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, बड़े चेहरे और इतना बड़ा यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो भ्रष्टाचार ही हुआ है, क्योंकि संपत्ति का ब्यौरा ना देना कहीं ना कहीं जनता को धोखे में रखना है।
जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि सभी जितने भी विधायक होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा के समक्ष रखे, क्योंकि विधानसभा वो कड़ी है जो विधायक को जोड़ती है और विधानसभा के जरिए ही वो सभी कामों को करते हैं, चाहे अपनी विधानसभा का में बेहतर काम करने हों या फिर विधानसभा में सवाल उठाने हों। तो ये कहा जा सकता है कि अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है, सालाना जो ब्यौरा है, वो तमाम सभी विधायक, जो विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी विधानसभा को दें। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई और लगभग 45 ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा में यानी कि 5 साल के कार्यकाल में एक बार भी नहीं दिया, और इसमें से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक बड़ा नाम है और कैबिनेट के कई अन्य मंत्री भी है, चाहे वो सुबोध उनियाल हों जो कि कृषि मंत्री थे, इसके साथ ही अरविंद पांडे की बात कर ली जाए, शिक्षा मंत्री थे वर्तमान सरकार में, बंसीधर भगत हो गए, शहरी विकास मंत्री थे, इसके साथ गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद थे, रेखा आर्य थी और बिशन सिंह चौफाल जैसे जो बड़े चेहरे हैं जो सरकार में भूमिका निभाते हैं, जो पूरे प्रदेश के लिए भूमिका बनाते हैं, उन लोगों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा में एक बार भी नहीं दिया। लेकिन संख्या यही खत्म नहीं हो जाती है, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी इस लिस्ट में शामिल होता है, और इसके साथ ही अगर विधायकों की बात कर ली जाए तो लगभग लंबी फहरिस्त है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आते हैं जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, विधायक राजकुमार भी आते हैं, सुरेंद्र सिंह विधायक आते हैं, कांग्रेस के केदारनाथ से विधायक मनोज रावत आते हैं, इसके साथ ही देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी आते हैं, विजय सिंह पवार आते हैं, मुन्ना सिंह चौहान आते हैं जो विकास नगर के विधायक हैं, सहदेव सिंह पुंडीर आते हैं जो सहसपुर से विधायक हैं, इसके साथ ही स्वर्गीय हरबंस कपूर जो अब इस दुनिया में नहीं है और कैंट विधानसभा से जो विधायक थे उन्होंने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा कभी विधानसभा में नहीं दिया। लेकिन अगर इन आंकड़ों की बात करें तो ये कम नहीं है, ये कहा जा सकता है लगभग 45 विधायक, और इन विधायकों में से कुछ मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो कहा जा सकता है नैतिकता के आधार पर एक जो काम होता है विधानसभा के समक्ष अपनी संपत्ति को रखने का, वो संपत्ति वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ और अलग है कि जब चुनाव वो लड़ते हैं, जब चुनाव के मैदान में आते हैं, जब वो अपना पर्चा भरते हैं, तब ज़रूर वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा रखते हैं और देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जनता के लिए जहां काम करते हैं, विधानसभा जहां ये माना जा सकता है कि जीतकर विधायक पहुंचता है, उसके पटल पर वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं रखते हैं, यानी कि कुल मिलाकर छुपाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार क्या वजह है कि सिर्फ आंकड़े यही नहीं कहते, इस लिस्ट में सिर्फ नाम यही नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक ऐसा पद होता है जिसके पूरे जो राज्य है उसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की मैं बात करूं तो उनकी भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। ऐसे में दोनों ने ही संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, तो फिर कांग्रेस के विधायक क्या देंगे और बीजेपी के विधायक क्या देंगे? जी बिल्कुल, अगर लिस्ट में अगर बात करें जितने लगभग 45 विधायकों को देखा जाए, इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री पद पर हैं, ये मंत्री पद पर हैं, ये विधानसभा की एक पॉलिसी है। विधानसभा में सभी सामान्य तौर पर एक सदस्य होते हैं, जब वो जीतकर विधानसभा पहुँचते हैं तो वो सदस्य के रूप में विधानसभा पहुँचते हैं और उसमें जिम्मेदारी सबकी बराबर होती है। लेकिन जैसे कि आपका सवाल है कि जब मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़े पद जिनके पास है, जो प्रदेश को संभालते हैं, विपक्ष सवाल उठाते हैं जनता से जुड़े हुए विधानसभा में, तो जब ये लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तो अन्य विधायकों से क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन इसमें नाम केवल बीजेपी विधायकों के नहीं है, बल्कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके भी नाम इस लिस्ट में है, चाहे उसमें मनोज रावत की बात कर ली जाए या फिर अन्य कई नाम है जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। प्रीतम सिंह भी उनका नाम भी शामिल है, तो कांग्रेस के बाकी विधायकों से क्या उम्मीद हम रख सकते हैं? बिल्कुल, सवाल तो यही उठता है कि विधायकों से ही नहीं, आप आम जनता से क्या उम्मीद रख सकते हैं जब आप संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा के समक्ष नहीं देते हैं, तो आप जनता से किस तरीके से उम्मीदें कर सकते हैं कि जनता बेहतर तरीके से टैक्स भरेगी, बेहतर तरीके से अपनी संपत्ति का ब्यौरा इनकम टैक्स को देगी, ये तमाम चीज़ें। लेकिन सवाल तो ये भी खड़े होते हैं कि आखिरकार ये क्या वजह है कि विधानसभा के समक्ष जब नीति बनी हुई है, सभी लोगों को ये कहा जाता है कि वो सालाना अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा के समक्ष रखेंगे, सभी कागजी कार्रवाई के साथ रखेंगे। सुभाष एक मिनट, बिशन सिंह चौपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और मंत्री हैं उत्तराखंड में, सबसे पहले इनसे सवाल करूंगी। बिशन जी, ये बताइए कि चुनावों की तैयारी कैसी है और क्या लग रहा है इस बार 10 मार्च को लेकर? हेलो,
मिशन जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी कट रही है, बताइए दोबारा बताइए। मिशन जी नतीजों को लेकर कितनी आपकी उम्मीद है, क्या लग रहा है? बिल्कुल आपके नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, बिल्कुल सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है उत्तराखंड में, दो तिहाई बहुमत की सरकार बनेगी और ये बिल्कुल पूरे प्रदेश की जनता ने पहले ही से मन बना रखा था, लेकिन चुनाव के बाद भी स्पष्ट हो रहा है कि जो जनता का मन था ये दो आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। बिल्कुल, इसके अलावा विशन जी ये बताइए कि हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी ये कह रहे हैं कि हम 60 पार सीट जीतेंगे, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर भी साफ तौर पर नजर आती है। तो बिल्कुल आप हमने कर कहा है हमारी बहुमत दो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, हमने ये कर कहा है सरकार हमारी बनेगी। बिल्कुल बिशन जी आपने एक कमान संभाली है और साथ ही साथ आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन एक शिकायत है हमारी, संपत्ति का ब्यौरा आपने नहीं दिया है, ये शिकायत है हमारी, क्या वजह है इसके पीछे? संपत्ति का ब्यौरा बिल्कुल आपने ठीक है, हमने संपत्ति का ब्यौरा पहले दिया, इस बार संपत्ति का ब्यौरा नहीं पहुंच पाया होगा हमारी संपत्ति, हम तो जब कहेंगे संपत्ति का तो हमें सार्वजनिक चुनाव के समय भी जब हम शपथ देते हैं उसमें हम पूरा संपत्ति देते हैं, नामांकन के वक्त जिसमें नामांकन दाखिल करते हैं पूरा संपत्ति का ब्यौरा होता है हमारा। लेकिन आपका नाम तो इस लिस्ट में शामिल है कि आपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, जनता से छुपाया है। पूरा ब्यौरा पूरा ये तो जितना होता है जो ब्यौरा पूरा ब्यौरा देते हैं उससे क्या? अच्छा उससे कुछ नहीं होता, जनता जनता से छुपा लीजिएगा लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। हाँ जनता और ऐसा होता रहा है ले रहे कि चुनाव के उसमें संपत्ति का ब्यौरा आप अलग से देते, चुनाव के समय तो पूरा संपत्ति का ब्यौरा देते हैं हर चुनाव हर 5 साल बाद। सर सिर्फ बात आपकी नहीं है और कई विधायक हैं आपके जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, जनता से क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों दबाया जा रहा है? तो देखिए जब सवाल होते हैं तो ऐसे ही फोन काट दिया जाता है। सवाल हमारा सीधा था कि आखिर आपका नाम क्यों इस लिस्ट में है, आपके विधायकों का नाम इस लिस्ट में क्यों है, तो उन्होंने सिर्फ इस सवाल का यही जवाब दिया कि हम देते हैं, हम हर बार देते हैं, लेकिन इस बार क्यों नहीं दिया, इससे वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर विशन सिंह चौपाल हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जीत के लिए तो पूरी तरह से निश्चिंत हैं, हम जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, लेकिन जब उनसे सवाल तीखे किए गए तब उन्होंने फोन काट दिया है क्योंकि उनसे सवाल ये किया गया कि आपके विधायकों के मंत्रियों के नाम क्यों इस लिस्ट में है जिस लिस्ट में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जनता आपको देखती है, जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप जनता के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, जनता के हित में अच्छा सोचेंगे, लेकिन उत्तराखंड में हमेशा से ही ऐसा होता रहा है, पहला मौका नहीं, इससे पहले भी ऐसा हुआ है जहां पर मंत्री हो विधायक हो वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं, बल्कि हर साल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, उसके बावजूद भी ये सार्वजनिक नहीं किया गया, जनता के लिए प्रकाशित किया जाता है। तो साफ है उत्तराखंड में बड़ी संख्या में मंत्री ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरे सहयोगी सुभाष लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज इष्टवाल जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी अभी विशन सिंह चौपाल जी हमारे साथ जुड़े थे, हमने उनको फोन किया, उन्होंने फोन उठाया, हमने उनसे पूछा कि आप चुनावों को लेकर कितने निश्चिंत हैं, आंकड़ों को लेकर नतीजों को लेकर कितने निश्चिंत हैं, बहुत खुश हुए, कहा कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन एक छोटा सा सवाल कर लिया मैंने उनसे कि आप ये बताइए कि आपके मंत्रियों ने आपके विधायकों ने आखिर ब्यौरा क्यों नहीं दिया है संपत्ति का, तो उन्होंने फोन काट दिया। जाहिर सी बात है कि आरटीआई कार्यकर्ता नदीमुद्दीन ने जो लगाया था आरटीआई उसमें 44 विधायक ऐसे दिखते हैं पक्ष मतलब सत्तापक्ष के और विपक्ष के जिन्होंने वास्तव में इस बार जो चुनाव में अपना इनकम का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया, उसके पीछे हम सब जानते हैं कारण। सबसे बड़ा कारण है कि जो विधायक जब पहली बार ब्यौरा देता है तो उसके खाते में 50,000 से लेके 1,00,000 से लेके 5,00,000 तक ही होती है और 5 सालों में जाके 1,000 करोड़ तक पहुंच जाता है। 1,000 करोड़ का 5 साल में अगर एक विधायक कमा के या मंत्री कमा के बैठ जाता है तो असहज सी बात है कि कौन ब्यौरा दे, कैसे ब्यौरा दे। तो जनता से धोखा है इस्टवाल साहब,
सीधे तौर पर जनता से रोका, आप तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसका मतलब। कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टेन तो भ्रष्टाचार सभी करते रहते हैं और सबका यही एक रीजन है। पार्टी फंड के नाम पे भी पैसा जाता है, योजनाएं धरातल पर उतरने से पहले ही फूल हो जाती है, क्योंकि अगर एक 1000 करोड़ का अगर कोई योजना है जिसने धरातल पे आना है, उसमें से 20% को आपकी क्या कहते हैं पहले ही पार्टी फंड में चला जाएगा, 200 करोड़ तो पार्टी फंड में चला जाएगा, और फिर बाकी आपके मंत्री संतरी विधायक से लेके आईएएस से लेके और जितने नीचे टेबलों से गुजरता हुआ पैसा 100 करोड़। इस्टवाल साहब, लोकायुक्त 2012 से 2022 आ गया, इस पर कोई बात नहीं होती है, लोकायुक्त कहीं ना कहीं गायब हो गया है। नैतिकता का पाठ यहाँ पर जो मंत्री हैं, जो विधायक है, वो पढ़ाते हैं, लेकिन अपने लिए नैतिकता का पालन इनसे करना दुभर हो जाता है। आखिर जनता के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं संपत्ति के बारे, क्या यही है नैतिकता? इसी से हम सीख रहे हैं, लोकायुक्त की बात नहीं हो रही है। 2012 में आवाज उठी, लेकिन 2022 तक इस पर कुछ नहीं हुआ। ये वही उत्तराखंड है ना जिससे आवाज उठी थी कि लोकायुक्त पर भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, जनरल खंडूड़ी ने सबसे पहले लोकायुक्त पूरे देश में सबसे पहले लोकायुक्त नियुक्त करने वाला अगर कोई प्रदेश है तो वो उत्तराखंड है, और वही भाजपा अब ये जब दूसरे टर्न में आई है तो लोकायुक्त चिल्लाते विपक्ष थक गया, लेकिन लोकायुक्त अपॉइंट नहीं हो पाया। अब जबकि अब नई सरकार बनने वाली है, अब भाजपा भी लोकायुक्त की बात करनी शुरू कर दी। ये लूप होल जो सत्ता के गलियारे से शुरू होते हैं और आम जन तक पहुंचते क्या, ये लोग ये इतना कम तक क्यों जनता को आंकते होंगे? बिल्कुल। इस्टवाल साहब, एक मिनट। देवेंद्र भसीन, उत्तराखंड के बड़े नेता, बड़े चेहरे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र भसीन साहब, मंत्री विधायक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, नैतिकता की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लोकायुक्त की बात करते हैं, लेकिन 2022 में ऐसा होता है कि मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं देते अपनी संपत्ति का ब्यौरा। भसीन साहब जी, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को जी, और मैं इस बात के लिए सहमत हूँ कि संपत्ति का ब्यौरा दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी कारण से हो सकता है कि छूट गया हो, क्योंकि नियत खराब होगी ऐसा नहीं लगता। विधानसभा चुनाव में अभी सभी ने अपने शपथ पत्र देकर के अपनी संपत्ति का जिक्र किया है, लेकिन ये बात सही है कि संपत्ति का ब्यौरा समय पर दिया ही जाना चाहिए और हमारे सभी नेता देते भी हैं, लेकिन अगर कहीं चूक हुई है तो वो किसी बदनीयति से नहीं हुई, वो एक प्रक्रियात्मक चूक हो सकती है, कहीं पर जिनको कहा गया होगा ये कार्य करे वो नहीं कर पाए होंगे। बिल्कुल। भसीन साहब, डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल आप रहे हैं, इसका मतलब आप गुरु रहे हैं, मुझे भी अपनी शिष्य समझिए। आपने कई ऐसे गुरु रहकर ऐसे शिष्य बनाए हैं, ऐसे नेता बनाए हैं जिनका नाम आज टॉप पर रहता है, तो अब गुरु होने के नाते क्या ये सही है जो हो रहा है? नैतिकता के नाते सही है, आम जनता के नाते सही है? मुझे अपनी शिष्य समझिएगा। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा जी, मैं ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं करता जो कि अपने आप में मुझे उचित नहीं लगती। जब एक नियम है कि हमें संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए तो दिया ही जाना चाहिए, मैं सही कभी नहीं कहूंगा उस बात को, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसके पीछे एक तो होता है बदनीयति और एक होता है चूक, तो मुझे जो संभावना लग रही है कि वो सभी लोग हैं इसमें शामिल, कहीं चूक हुई है, और अभी जो विधानसभा चुनाव सबने लड़ाई है और नियम भी कहता है कि आपको विधानसभा चुनाव के समय में। चलिए भसीन साहब, अगर देखिए मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ही संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे, क्या ये ठीक है? मैंने आपसे पहले ही कहा, कोई व्यक्ति भी हो, किसी व्यक्ति के लिए भी मैं कहने को तैयार हूँ, जो चीज होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए, मैं इससे असहमत नहीं हूँ। आप सहमत हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि संपत्ति का ब्यौरा जो नियम के अनुसार दिया जाना चाहिए वो दिया ही जाना चाहिए। तो सवाल ये ऐसा खड़ा हो जाता है कई बार कि एक जानबूझ के ऐसा किया गया कि चूक हुई है, तो मुझे जो लगता है मोटे तौर पर चूक हुई है, तो चूक नहीं होनी चाहिए, तो बेहतर था।
बिल्कुल वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी, धन्यवाद आपका कि आपने अपनी बात यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हमारे चैनल पर रखी है और बताया है कि ये गलत है, संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। सुभाष आपने सुना, इष्टवाल साहब ने भी सुना, इष्टवाल साहब क्या कहेंगे आप? देखिए वसीम जी, अपने आप में क्योंकि हमेशा ही मीडिया को देखते रहे हैं, जितनी टर्न भी क्या कहते हैं बीजेपी की सरकार रही है, प्रत्यक्ष तौर पे मीडिया सलाहकार भी रहे हैं और मीडिया की हर बात को जानते हैं, बहुत बारीकी से जानते हैं। घुमाना फिराना, उनको प्रश्नों में उलझाना बड़ा टफ काम है। वसीम साहब ने बिल्कुल साफ वहीं से कहा है कि बिल्कुल ब्यौरा दिया जाना चाहिए और इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि एक व्यक्तित्व जो भाजपा संघ संगठन से जुड़े हुए माने जाते हैं। ठीक है इस्टवाल साहब, इस्टवाल साहब समय की थोड़ी कमी है तो हमें यहीं पर इस चर्चा को खत्म करना होगा। बस सुभाष से एक आखिरी कमेंट। सुभाष देखिए, मंत्री विधायक, हम ये नहीं कह रहे कि ये चोर हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनकी अपनी जिम्मेदारी है और पारदर्शिता के लिए, नैतिकता के लिए जरूरी है। सुभाष लगाते हैं भ्रष्टाचार का आरोप तो लगाए जाते हैं, लेकिन आरोप लगाने से पहले खुद को भी देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विधायक की बेहद बड़ी जिम्मेदारी है कि वो विधानसभा के समक्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा रखे, और क्योंकि ये कानून भी है कि सालाना अपनी संपत्ति का ब्यौरा रखना प्रत्येक विधायक के लिए कंपलसरी है, यानी कि उसका वो जो ब्यौरा है, उसकी संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कटौती हुई, वो विधानसभा के समक्ष रखना अनिवार्य है। लेकिन जिस तरीके से खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, तमाम मंत्रीगण और विधायक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है, और शायद यही कारण है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए नजर नहीं आते। लेकिन इतना भी जरूर है कि जब वो सत्ता में नहीं रहते, जब वो विधायक नहीं रहते, तब यदि उनसे पूछ लिया जाए कि उनकी संपत्ति कितना है, तो उसका ब्यौरा बहुत तेजी के साथ देंगे। लेकिन खत्म करेंगे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संपत्ति का ब्यौरा आखिर मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सवाल था हमारा, और जवाब तलाशने की हमने बखूबी कोशिश की है। और यहाँ पर मंत्री और तमाम बड़े चेहरे भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये गलत है, संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी है पारदर्शिता के लिए, नैतिकता के लिए, जीरो टॉलरेंस के लिए और जनता के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान।